NMTV को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। May 8, 2020 का मेरे पास GR का कॉपी है। पॉइंट नंबर 3 में बहुत क्लियरली लिखा है शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधा वापर करावा लागला नाही व त्याचा बाबत खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फीस कमी करावी। और ये पॉइंट ॲब्सोल्युटली वॅलिड है उन सब स्कूलों के लिए जिन्होंने फी हाइक लिया है और जिन्होंने फी हाइक नहीं लिया है। शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हर समस्या को सामाजिक कार्यकर्ता तेजेंद्र सिंह द्वारा उठाया जाता है। साथ ही जिन अभिभावकों को स्कूल फीस के GR को लेकर जानकारी नहीं है वे भी उनके माध्यम से दी जा रही है। NMTV से बात करते हुए तेजेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी एवं कहा कि हाल ही में विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में पालिका आयुक्त के साथ संपन्न हुए बैठक में उन्होंने स्कूल द्वारा फीस के लिए अभिभावकों पर डाले जाने वाले दबाव का मुद्दा रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि 8 मई 2020 को स्कूल फीस को लेकर जो GR लाया गया था उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि जिन लोगों ने स्कूल की पूरी फीस भरी है उन्हें उसका रिफंड नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आप अगर स्कूल से रिफंड मांगते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं रिफंड मांगने के लिए। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ स्कूल्स जो हैं या कुछ मेरे संदर्भ में ऐसे कुछ पेरेंट्स ने भी बताया है कि कुछ ऐसे स्कूल के PTA मेंबर्स हैं जो कि वो कहते हैं कि ये जो कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है और ये जो May 8 का GR है वो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जो भी उसके क्राइटेरियाज हैं वो हम पे लागू ही नहीं होते हैं। तो ये सरासर गलत है। ये GR के अंदर बहुत क्लियर जो कोर्ट ने लिफ्ट किया है उसमें क्लियर लिखा है कि जिन स्कूलों ने हाइक फीस ले ली है, ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ कि जिन स्कूलों ने फीस हाइक ले ली है 8 मई 2020 से पहले, उनके लिए ना कोई रिफंड है और ना कोई उनके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें के वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें आप फीस रिफंड कीजिए, नहीं। लेकिन उसके अंदर May 8 के GR में ये बहुत क्लियर लिखा है कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो स्कूल के रिसोर्सेस नहीं यूज़ किए गए हैं, जैसे लाइब्रेरी फीस है या कोई और जिम खाना फीस है, तो वो GR के अंदर बहुत क्लियर लिखा है कि कोई भी ऐसे कंपोनेंट अगर यूज़ नहीं होते हैं तो वो EPTA के कंसिडरेशन के साथ, उनके डिस्कशन के साथ उस फीस के कंपोनेंट को घटाया जा सकता है या उसको निकाला जा सकता है। तो कई स्कूल्स इसको ऐसा समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमने तो फीस हाइक लिया ही नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों द्वारा फीस के लिए डाले जा रहे दबाव के लिए अब PTA ने अपनी जिम्मेदारी अधिक गंभीरता से निभाना जरूरी है। गवर्नमेंट या कोर्ट कभी भी दो संदर्भ में ऐसा डिसीजन नहीं दे सकता, ये एक कॉमन सेंस है और लॉजिक है। क्योंकि अगर कोई ऐसा कोर्ट का डिसीजन दोनों तरफ से ऐसा हो कि भाई जिनके लिए फीस जिन्होंने हाइक ली है उनके लिए एक्स डिसीजन है और जिन्होंने फी हाइक नहीं ली है उनके लिए वाई डिसीजन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कंफ्यूजन करने का एक जो है ये प्लान बनाया जा रहा है जिसमें के कहीं पर भी स्कूल एक लेवल पर कोई कंपोनेंट को गिरा ना दे या PTA को उस तरीके से शायद समझाया नहीं गया या PTA उस तरीके से समझना नहीं चाहता। तो ये एक दोनों का जो है अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। आगे उन्होंने GR कॉपी के पॉइंट 3 में लिखे गए मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय ने जो स्टे हटवाया है उसमें ये मुद्दा एप्लीकेबल है कि जो रिसोर्सेज स्कूल में इस्तेमाल ही नहीं हुए उसकी फीस कम की जा सकती है एवं PTA से चर्चा करने के बाद उसकी फीस
नहीं भी ली जा सकती। May 8, 2020 का मेरे पास GR का कॉपी है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 में बहुत क्लियरली लिखा है, मराठी में जो GR है, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधा वापर करावा लागला नाही व त्याचा बाबत खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फीस कमी करावी। ये बहुत क्लिअरली लिखा है, लेकिन इस पॉइंट को कोर्ट के ऑर्डर के साथ उसको गलत इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत गलत है और ये पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड है उन सब स्कूलों के लिए जिन्होंने फ़ी हाइक लिया है और जिन्होंने फ़ी हाइक नहीं लिया है। तो ट्यूशन फीस और टर्म फीस तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन ये जो पोर्शन है, कंपोनेंट है, जिसमें के चांसेस हैं कि फीस हाइक का बर्डन जो है वो पेरेंट्स के लिए घटाया जा सकता है, तो ये स्कूल के जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो उनके साथ मिलके इसको डिसाइड किया जा सकता है। तो स्कूल के कोई भी स्टेशनरी में या उनके कोई भी मीटिंग के बुक्स के अंदर अगर कहीं पर भी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है, तो पेरेंट्स जो हैं वो ECPTA से बात करके इस सब्जेक्ट को वो मुद्दे पर ला सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिलीफ कोई भी फीस से रिलेटेड उनको दिया जा सके। और गवर्नमेंट ने ये रिलीफ देने के लिए PTA को डायरेक्शंस भी दी हैं, तो क्या PTA इसको गलत इंटरप्रेट कर रहा है, क्या PTA इसके सपोर्ट में है, और क्या इसको मैनिपुलेट करके एक साथ में ऐसा कोई संगठन बनाया जा रहा है कि भाई ये पॉइंट को हम बता दें कि ये हमारे लिए वैलिड ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसका इंटरप्रिटेशन यही है कि ये सारे पॉइंट्स लेजिटिमेटिक हैं, खाली जिन लोगों ने, जिन स्कूल्स ने फीस बढ़ाई है उनके लिए ये बहुत क्लियर है कि आपको कोई भी रिफंड किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अगर कह दे कि ये पॉइंट वैलिड नहीं है तो वो गलत है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा फीस भरने में असमर्थ है तो कोई स्कूल उसे जबरदस्ती निकाल नहीं सकता। कंप्लेंट या कोई ऐसा इंटीमेशन लोकल महानगर पालिका या किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, अगर हम जैसे नवी मुंबई में हैं तो अगर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नज़र में लाया जाता है और कमिश्नर साहब के नज़र में लाया जाता है, तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। जो उन्होंने हमें 2 दिन पहले जब नाइक साहब के लीडरशिप में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने हमें एश्योर किया था कि वो पूरी तरह हमारे साथ इसमें हेल्प करने के लिए तैयार हैं अंडर द प्रोविज़न ऑफ लॉ। तो लॉ के हिसाब से अगर कोई पेरेंट फीस नहीं भरता है, क्योंकि कई मेरे को पेरेंट्स से हमारी जब बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें मैनेजमेंट ने कहा है कि हम आपके बच्चों को निकाल देंगे या हम आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे, तो मैं ये आपके माध्यम से ये बहुत क्लियर कर दूं कि कोई भी लॉ ऐसा स्कूल को परमिशन नहीं देता कि आप बच्चों को निकाल दीजिए। आप स्कूल क्या कर सकता है, वो पेरेंट्स के ऊपर केस कर सकता है टू रिकवर द ड्यूज, लेकिन वो बच्चे को निकाल नहीं सकते। और स्कूल को साथ में ये भी होना चाहिए, और मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को भी ये होना चाहिए कि वो भी स्कूल मैनेजमेंट के साथ बैठ के अपना जो पेंडिंग फीस है, जिसकी पैंडमिक की वजह से जो आप हम सब प्रॉब्लम में हैं, तो वो डिस्कस करके स्कूल को बता देना चाहिए कि आप फीस कब पे करेंगे, जिसकी वजह से कि ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो अरेस्ट हो जाएँ और उसका कोई रेपरकशन ना हो। क्योंकि कई पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है इन सब चीज़ों की और वो समझते हैं कि भाई हमारे बच्चों को निकालने जा रहे हैं, तो बच्चों को निकाला नहीं जा सकता, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर ड्यूज रिकवर करने के लिए स्कूल ऑफकोर्स एक एक्शन ले सकता है। तेजेंद्र सिंह ने ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 31 दिसंबर 2013 के GR के मुताबिक अगर स्कूल के खिलाफ शिकायत आती है तो आयुक्त को पूरा अधिकार है कि वे संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कहीं पर कोई ऐसी कंप्लेंट जाती है तो जो ऑनरेबल कमिश्नर हैं उनको फुल राइट्स है इस चीज़ के अंदर, अंडर द GR, एक जो GR है मेरे पास जिसमें के ऑनरेबल कमिश्नर को पूरे एक्सेस और राइट्स दिए गए हैं, 31 दिसंबर 2013 का GR है, जिसमें के ऑनरेबल कमिश्नर को फुल पावर दी गई है कि वो जो भी उनको समझ पड़ती है नेसेसरी प्रोविजंस के अंदर, वो स्कूल के ऊपर एक्शन ले सकते हैं बगैर इस कंप्लेंट को एजुकेशन सेकेंडरी बोर्ड में एस्केलेट करके या डिप्यूटी डायरेक्टर के बगैर भी। ये
ऑनरेबल कमिश्नर के पास पावर्स होती हैं, वो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर कोई पेरेंट्स ऐसे डिस्ट्रेस में है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है पीटीए के थ्रू या किसी स्कूल मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो ऑफकोर्स ऑनरेबल कमिश्नर को जो है वो मिल सकते हैं और एक एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि उनको इस चीज़ का रेजोल्यूशन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।